हेलो एवरीवन वेलकम टू पी मैथमेटिक्स इस वीडियो में हम जून 2018 में लीनियर रेलजेब्रा के पार्ट पी के जो क्वेश्चन आए हैं उनके सॉल्यूशन देखेंगे अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लेट ए बी मैट्रिक्स एंड बी बी मैट्रिक्स ओवर रियल नंबर्स विथ एम इज लेस देन एन देन फर्स्ट ऑप्शन है ए बी इज़ ऑलवेज़ नॉन सिंगुलर सेकेंड ए बी इज़ ऑलवेज सिंगुलर थर्ड बी एज ऑलवेज नॉन सिंगुलर एंड फोर्थ बी ए इज़ ऑलवेज सिंगुलर देखिए हम काउंटर एग्जाम्पल से क्या करेंगे मैट्रिक्स ए कंसिडर करेंगे एंड एक मेट्रिक्स बी कंसिडर करेंगे ए मेट्रिक्स है एम क्रोसेन की एंड बी मेट्रिक्स है एन क्रोसेम की एंड कंडीशन क्या दी हुई है साथ में एम इज़ लेस देन एन तो हम काउंटर एग्जाम्पल से ऑप्शन को डिस्कार्ड करेंगे फिर जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचेगा वो करेक्ट हो जाएगा देखिए कि हमारे पास दिया हुआ है ए मैट्रिक्स है एम क्रोस एन की एंड बी मैट्रिक्स है एन क्रोस एम की एंड साथ में कंडीशन है एम इज़ लेस देन एन तो हम लेके चलते हैं एम इक्वल टू टू एंड एन इक्वल टू थ्री तो ये इस कंडीशन को सेटिसफाई करेगा टू इज़ लेस देन थ्री अब फर्स्ट ऑप्शन के लिए मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं ए इक्वल टू वन ज़ीरो वन जीरो वन जीरो एंड बी इक्वल टू वन ज़ीरो जीरो जीरो ज़ीरो वन ठीक है ये टू क्रोस थ्री के मैट्रिक्स जो कि क्या है एम क्रोस एन की मैट्रिक्स एंड बी कैसी है एन क्रोस एम एन की वैल्यू क्या है हमारे पास थ्री एन एम की वैल्यू टू तो ये थ्री क्रॉस टू की मैट्रिक्स हो गई अब हम चेक करते हैं ए बी तो ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगी वन वन जीरो जीरो अब जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा डिटर्मिनंट ऑफ ए बी इक्वल टू जीरो तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होता है देन वो मैट्रिक्स सिंगुलर होती है तो फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा फर्स्ट में दिया है ए बी इज़ ऑलवेज़ नॉन सिंगुलर बट काउंटर एग्जाम्पल से ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा फिर सेकेंड में है ए बी इज़ ऑलवेज सिंगुलर तो देखिए देखिए हम यहाँ पे मैट्रिक्स ए कंसिडर करते हैं वन जीरो 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 वन एंड बी मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं वन जीरो 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 जीरो, जीरो वन तो यहाँ से ए बी क्या मिल जाएगी हमें वन जीरो जीरो वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई तो इसका डिटर्मिनेंट क्या क्या आएगा हमारे पास नॉन जीरो आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट तो नॉन जीरो ही आएगा तो यहाँ से हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या मिल गया वन मिल गया विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो एंड अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी नॉन सिंगुलर देन सेकंड ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा सेकंड में दिया हुआ है ए बी इज ऑलवेज सिंगुलर बट काउंटर एग्जाम्पल से ए बी तो हमें नॉन सिंगुलर मिली देन ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया फिर थर्ड में दिया हुआ है बी ए इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर तो देखिए अगर हम यहाँ पे मैट्रिक्स ए कंसिडर करें वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो एंड बी मैट्रिक्स कंसिडर करें वन ज़ीरो 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 वन तो यहाँ से हमें बी बी ए क्या मिल जाएगी बी को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे बी मैट्रिक्स है हमारे पास वन ज़ीरो 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 वन एंड ए मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए मैट्रिक्स है वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन जीरो तो यहाँ से हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो थ्री क्रॉस थी की मैट्रिक्स मिलेगी और वो क्या मिलेगी वन ज़ीरो वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो हमें क्या मैट्रिक्स मिली वन ज़ीरो वन ज़ीरो जीरो ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो ठीक है तो इसका अगर हम डिटर्मिनंट फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास जीरो तो हमें डिटर्मिनट ऑफ बी ए क्या मिल गया ज़ीरो देन थर्ड ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया क्योंकि इसमें दिया हुआ नॉन सिंगुलर बट डिटर्मिनंट अगर उसका जीरो है इसका मतलब मैट्रिक्स कैसी है सिंगुलर है तेन ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा तो जब तीन ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए फर्स्ट इनकरेक्ट सेकेंड इनकरेक्ट थर्ड इनकरेक्ट तो फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट होगा फोर्थ में दिया हुआ है बी ए इज़ ऑलवेज सिंगुलर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इफ ए इज अ टू क्रोस टू मैट्रिक्स ओवर आर विद डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई इक्वल टू वन प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए देन वी कैन कंक्लूड दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो या फिर ए इक्वल टू जीरो थर्ड में है ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू जीरो एंड फोर्थ में है ए इज़ नॉन सिंगुलर देखिए इसका सोल्यूशन हमारे पास दिया हुआ है ए टू क्रोस टू की मैट्रिक्स है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई इक्वल टू वन प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए ठीक है तो हम कंसिडर करते हैं एक मैट्रिक्स ए टू क्रॉस टू की ए बी सी डी ठीक है तो यहाँ से अगर इसका डिटर्मिनेंट देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ए डी माइनस बी सी अब ए प्लस आई ए प्लस आई क्या हो जाएगा इस मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे तो ए प्लस आई हमें मिल जाएगी ए प्लस वन बी सी एंड यहाँ पे डी प्लस वन इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा ए प्लस वन इंटू डी प्लस वन माइनस बी सी ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख लेते हैं तो कैसे लिखेंगे ए प्लस वन को हम मल्टीप्लाई करेंगे डी प्लस वन से तो क्या आ जाएगा हमारे पास ए डी प्लस ए प्लस डी प्लस वन ठीक है ए डी प्लस ए प्लस डी प्लस वन एंड माइनस बी सी या फिर देखो ए डी माइनस बी सी इन्हें साथ में लिख लेते हैं तो ए डी माइनस बी सी प्लस ए प्लस डी प्लस वन अब ए डी माइनस बी सी क्या है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो यहाँ पे लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई किसके इक्वल आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस ए प्लस डी प्लस वन अब देखिए हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस वन ये किसके इक्वल दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस वन इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई तो यहाँ पे लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई प्लस ए प्लस डी अब देखें तो यहाँ पे है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा ए प्लस डी इक्वल टू जीरो एंड ए प्लस डी क्या है इस मैट्रिक्स में देखिए ए प्लस डी क्या होगा यहाँ से ट्रेस होगी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की ट्रेस क्या होती है उसके डायगोनल के एलिमेंट्स का सम तो यहाँ से ए प्लस डी क्या मिल गया हमें ट्रेस ऑफ ए तो हमें एक मिल गया ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो तो ऑप्शन देखिए थर्ड में दिया हुआ ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू जीरो देन थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स ये हमारे पास मैट्रिक्स मेट्रिक्स हुई है इसकी हमें ट्रेस फाइंड करनी है तो मैट्रिक्स कुछ इस तरह से है जैसे सपोज ये ए मैट्रिक्स है इसकी पावर ट्वेंटी तो इस मैट्रिक्स की हमें ट्रेस फाइंड करनी है देखिए सॉल्यूशन हमारे पास मैट्रिक्स ए दी हुई है टू वन ज़ीरो जीरो टू जीरो जीरो ज़ीरो थ्री ठीक है अब ये कैसी मैट्रिक्स है देखो ये अपर ट्राइंगर मैट्रिक्स बन रही है यहाँ पे तो इसके आइगन वैल्यूज़ क्या हो जाएगी टू टू एंड थ्री ये टू टू एंड थ्री ये इसकी आइगन वैल्यूज हो जाएगी तो ए की आइगन वैल्यू है टू टू एंड थ्री तो ए की पावर ट्वेंटी इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी टू की पावर ट्वेंटी टू की पावर ट्वेंटी एंड थ्री की पावर ट्वेंटी तो ट्रेस क्या होती है आइगन वैल्यूज का सम तो ए की पावर ट्वेंटी की ट्रेस क्या हो जाएगी इन आइगन वैल्यूज का सम तो मैट्रिक्स ए की पावर ट्वेंटी इसकी ट्रेस क्या हो जाएगी टू की पावर ट्वेंटी प्लस टू की पावर ट्वेंटी प्लस थ्री की पावर ट्वेंटी अब यहाँ से टू की पावर ट्वेंटी को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा टू इंटू टू की पावर ट्वेंटी यहाँ से वन यहाँ से वन अगर टू की पावर ट्वेंटी को कॉमन लेंगे तो देन यहाँ से ट्रेस आ जाएगी टू इंटू टू की पावर ट्वेंटी प्लस थ्री की पावर ट्वेंटी ऑप्शन देखिए ऑप्शन थर्ड में यही दिया है टू इंटू टू की पावर ट्वेंटी प्लस थ्री की पावर ट्वेंटी देन ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लेट आर एन वेर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू बी इक्विप्ड विथ स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट लेट वी वन वी टू अप टू वी एन बी एन कॉलम वैक्टर्स फॉर्मिंग एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ आर एन लेट ए बी द मैट्रिक्स फॉर्म बाई द कॉलम वैक्टर्स वी वन वी टू अप टू बी एन देन फर्स्ट में है ए इक्वल टू ए इन्वर्स सेकेंड ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज थर्ड ए इन्वर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज या फिर फोर्थ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू वन तो देखिए सोल्यूशन यहाँ पर हमें दिया हुआ है वी वन वी टू अप टू वी एन ये ये क्या है एन कॉलम वैक्टर्स है फॉर्मिंग एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ आर एन देन अगर ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है तो कंडीशन क्या होगी इसके लिए इनर प्रोडक्ट ऑफ वी आई वी जे इक्वल टू वन फॉर आई इक्वल टू जे एंड जीरो फॉर आई नॉट इक्वल टू जे एंड ए दी हुई हमारे पास एनक्रोसैन की मैट्रिक्स फॉर्म बाई कॉलम वैक्टर्स ये जो कॉलम वैक्टर्स दिए हुए हैं इनसे बनी हुई मैट्रिक्स है तो इस तरह से है कुछ मैट्रिक्स यहाँ पे एनक्रोसैन की वी वन वी टू वी एन ये क्या है एन कॉलम वैक्टर्स है और इनसे ये मैट्रिक्स बनी हुई है और इस मैट्रिक्स ए के लिए अगर हम ट्रांसपोज लिखेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पे वी वन यहाँ पे वी टू अपू वी एन ये आ गया हमारे पास ए ट्रांसपोज अब हम अगर ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आएगी ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे धन देखो पहले वी वन इस वी वन से तो क्या मिलेगा वी वन डॉट वी वन और अगर हम देखें यहाँ से इस कंडीशन से तो जब i इक्वल टू जे है उस कंडीशन में वैल्यू क्या आएगी वन आएगी देन यहाँ से हमें मिल जाएगा वन तो मैट्रिक्स में ये वाली एंट्री वन आ जाएगी एंड जो बाकी की एंट्रीज होगी यहाँ पे ये सारी ज़ीरो हो जाएगी फिर ये वी टू जब मल्टीप्लाई होगा वैल्यू आ जाएगी वन इसी तरह से इसमें यहाँ पर डायगोनल पे तो सारी एंट्रीज वन वन आ जाएगी एंड इसके अलावा बाकी की सारी एंट्रीज जो होंगी वो सारी जीरो तो हमें ए ट्रांसपोज है किसके इक्वल मिल जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेट्रिक्स एनक्रोसैन की तो यहां से हमें मिल गया ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी और इसे हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स अगर हम दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमें क्या मिलेगा ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इन्वर्स मिल गया हमें अब ऑप्शन देखिए यहाँ पे थर्ड में यही दिया हुआ है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स देन थर्ड करेक्ट हो गया एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिफाइन है एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में ठीक है तो इसके लिए पूछा गया हैज सॉल्यूशंस इन रेशनल नंबर्स हैज सॉल्यूशंस इन रियल नंबर्स हैज सॉल्यूशंस इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स या फिर हैज नो सॉल्यूशन तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है वहां से मैट्रिक्स ए कैसे लिखेंगे देखिए यहाँ पे इनके कोफिशिएंट्स लिखेंगे ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक बी के फॉर्म में दिया हुआ है तो मेट्रिक्स ए के आ जाएगी वन टू थ्री जीरो टू वन थ्री वन वन माइनस वन जीरो वन तो इसके लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनेगी इसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कुछ इस तरह से बन जाएगी अब हमें क्या करना है ये देखना है इस सिस्टम के पास में सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा तो सिस्टम के पास में सॉल्यूशन कब होता है जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक इस मैट्रिक्स एक की रैंक के इक्वल आ जाए तो हम इसकी रैंक फाइंड करते हैं तो पहले हम इसे एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसे पाइवोट बनाएंगे इन एंट्रीज को जीरो बनाएंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे आर टू की जगह आर टू माइनस टू इंटू आर वन तो यहाँ से हमारे पास आर टू आ जाएगी जीरो माइनस थ्री माइनस थ्री वन और यहाँ पे माइनस सेवन फिर आर थ्री की जगह क्या करना है आर थ्री की जगह हम रखना है आर थ्री माइनस आर वन तो ये वाली एंट्री भी जीरो हो जाएगी तो ये वाली रो कन्वर्ट हो जाएगी जीरो माइनस थ्री माइनस थ्री वन एंड यहाँ पे वन अब देखो इसे पाइवोट बनाएंगे तो क्या करेंगे हम आर थ्री की जगह हमें क्या करना है आर थ्री माइनस आर टू तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी मैट्रिक्स वन टू थ्री ज़ीरो जीरो माइनस थ्री माइनस थ्री वन सॉरी यहाँ पे सिक्स यहाँ पे माइनस सेवन जीरो ज़ीरो ज़ीरो एंड यहाँ पे एट ठीक है तो अगर इसकी रैंक देखें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक तो इसके पास में तीन नॉन ज़ीरो रो है तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक तो आ गई थ्री लेकिन अगर इस मैट्रिक्स एक की रैंक देखें तो इसके पास में एक रो कैसी है ज़ीरो है तो यहाँ से इसकी रैंक क्या आ गई टू आ गई तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक एन मैट्रिक्स एक की रैंक दोनों कैसी है नॉट इक्वल है तो इस वजह से सिस्टम के पास में सॉल्यूशन नहीं होगा तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा हैज़ नो सॉल्यूशन एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे